बोल शंकर भगवान की जय। पीछे तो लदपद है भाई, कौन कह रहा है कि सामान ना आवे थार में। ओहो लड़कियों वाला बैग, मेरे साइड में तो नदी जा रही होगी और मैं आराम से बैठ के चिल कर रहा हूँ। तो कहाँ रखी जाएगी भाई, ये तो बहुत भारी होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव, जय हो भाई। आज मैं अभी भी निकाल ली मैंने, क्योंकि बहुत दिनों के बाद चलाऊंगा। अब मैं निकल जाऊंगा, आज तो 15 एक दिन तो लगेंगे कम से कम, तो 15 दिन बाद चलाऊंगा। तो मैं कह रहा एक बार राउंड मार जाता हूँ अपने अभी भी के साथ। अभी फिलहाल जा रहा हूँ मैं एक बार बादशाहपुर तक, क्योंकि संदीप पटियाला को हो सकता है मैं वहां से उठा लाऊं और अपने घर से फिर निकल जाएंगे। उनका जितना भी सामान होएगा उसे हबीबी में गेर के ले आएंगे, फिर अपने घर आके सोसाइटी में आके फिर आराम आराम से जचाएंगे कि ये चीज हो जाएंगी, क्योंकि फिर मैं अपने हिसाब से रखूंगा ना सामान। अगर ज्यादा हुआ तो मैं कम कर दूंगा या फिर देख लेंगे जैसे भी होगा। जिस वीडियो का आप वेट कर रहे थे बहुत ही बेसब्री से, वो वीडियो आ चुकी है। अपना जिला गुड़गांव का एपिसोड 2 आ चुका है। आपने नहीं देखा तो जल्दी जाओ हाफ इंजीनियर चैनल पे जाके देखो भाई। मैं कह रहा हूँ क्या ही स्टोरी लग रही है ना, स्टोरी अलग लेवल है, उसमें म्यूजिक अलग है, मतलब सब कुछ काम बढ़िया हो रखा है। तो एक बार जाके जरूर देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। बारिश का जो मौसम हो रहा है ना, यो बहुत खतरनाक हो रहा है। और मम्मी यार जैसे मनीजर देखे या फिर कोई भी किसी, तो मैं कहूँ ना कि भाई हम वहां जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो कहते हैं कि भाई बारिश का मौसम हो रहा है, रहने दो यार, मत जाओ। बारिश आ रही हो, बाढ़ आ रही हो, अब जाना है तो जाना है। जो चीज सोच ली तो सोच ली। पहले मैंने थाईलैंड का सोचा था लेकिन वहां का पॉसिबल हो नहीं पाया, मैंने पूरी मेहनत करी है। तो उसके बाद मैंने लद्दाख का बनाया, मैं कहा लद्दाख का कैंसिल नहीं होगा, वे सकता है यहाँ बादल फट जाओ, कुछ भी हो जाओ, जाऊंगा तो भाई जाऊंगा। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैंने आपसे बता दिया है। हाँ पटियाला की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर पूमा की तरफ से कोई आई तो देखो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। एक बार पूमा के घर ही जा रहा हूँ, वहाँ सारा सामान रखा अपना, टेंट, गैस सिलेंडर, चूल्हा, सब कुछ है, मतलब एक टू जेड चीज है, उक्का उक्का सब कुछ वहीं रखा है। क्या ले कैसा, क्या सीन है, चल रहा ना चल रहा? रात को चलेंगे 9 बजे आज। यार रात ने क्या करेगा भाई, अभी चल रहे हैं अपने, निकल लेते दिन दिन में। कपड़ा प्रेस होकर आएंगे मेरे। ओहो 6 बजे से कपड़े आएंगे, उसके बाद 7 बजे तक आ लेगा। ओ रेडी हो गए? रेडी ने क्या करना, मैंने नहाएगा भी ना, नहा लियो नहा लियो भाई, रात ने भी ना ना ना, पूरा लंबा सफर है। तू जैसे ही हाथ ठावे ना। अरे नहीं यार, उस दिन खेल रखा था यार, खेल का है तो बुआ नींबू की जरूरत ना पड़ेगी। हाँ तेरी कसम भाई, ऐसा रहे कि एक दिन मैं रियो कहाँ बैठे थे, हम बैठे थे यार मैं रियो साथ गाड़ी में बैठे थे, यो मैं यो पीछे बैठे, ठीक है, कुछ ना नू बैठा रहा जब तक तो नॉर्मल था। जैसे ही नू कही ना है भाई चीकू मिन ऐसा कुछ ना था। तेरी कसम भाई पटियाला गटर तगड़ी कोई महसूस ना कर सके उसे, बस मैं पर आज ले लियो ना ले थोड़ा सा, मैं भी नहा लूंगा भाई, नहा के निकलूंगा मैं भी, ठीक है। फिर मैंने सोची मैं यार काश मेरे में से भी आ रही होती, मैं भी ऐसा कर देता तो दोनों उनका वो हो जाता। क्यों जाता बंटे ना, क्लैश हो जाता वहीं की वहीं। मार्केट लग गई भाई, भाई पूरी मार्केट ही मार्केट लगेंगी आगे। घर तक निकलते ही गोलगप्पे, अरे के करेगा कुत्तो डोना ले रखा मैं तो, दे दिनों कर एक बार चेक तो कर। अरे आज जब तू कह रहा था खा लेंगे यार, तेने जब इतनी जिद करी है, गाड़ी रुकवाई है तो ले लेगा सब कुछ खावा है। अरे यार मैं चल खा लेते हैं, मैंने सोची थोड़ी बहुत देर खेल भी लेता हूँ, यहाँ का मैच लगाया, दूसरी बॉल पे आउट होगा, 14 रन मारे पूमा ने और मैं आउट होगा दूसरी बॉल पे। अब देखते हैं हमारी टीम जीतेगी या नहीं, या फिर यहीं से हार के ही जाएंगे हम आगे। यो खेल रहा है ठीक है, पूरी जान तो मारेगा, देखिए कहाँ तक जाएगी बॉल। ए यो पूरी जान तो मारी, देख भाई कहाँ तक गई रे, 6 रन पटियाल जिताता लगे तुम हमें। लो भाई जीत गए, एक किसने पहला मैच जीत गए ना, पहला जीत लिया, दूसरा दोबारा लगा दिया मैं, कब 200 तो जीत लिए, 400 जीत जाऊं। गाइस पटियाला चला गया अपने घर कपड़े लेने के लिए और मैं आ गया हूँ अपने घर। मैं कह यार मैं अपने ले लेता हूँ जो भी कुछ लेना है, या तो तुम आ जाना सोसाइटी में या फिर मैं थार लेकर अपना सारा सामान लेके तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, फिर परे निकल लेंगे। तो एक बार मैं घर चला जाता हूँ, नहाना पड़ेगा क्योंकि मैं बैट बॉल खेल का हूँ भाई, पसीने में तरन तर हो रहा हूँ। पटियाला तरह फिर मेरे में तभी तुम्हें पता है क्या आएगी। ये लोग आई, ये बैग लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, बहुत ही मोटा बैग होगा, मैंने सोची ना थी कि इतने कपड़े आ जाएंगे, इसमें जूते आगे और यो मैंने ले लिया है साथ में ड्रोन। अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मेरा सामान जा रहा है, अभी कोई और दूसरा सामान ना रखा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसने रखूंगा, रख दूंगा मैं इसको इसके पीछे। यो क्या है भाई, ओहो ये कूकर वूकर लेकर आए उड़े इसी में पड़े भाई, ये रे देखो ये सामान इसी में गिर रखा है, तो मैं इस बैग में डाल देता हूँ, यो जो काला वाला बैग है ना इसे इसके पीछे डाल दूंगा तो ठीक रहेगा। अकेले मेहनत करनी पड़ रही है भाई, संदीप और अपने घर हैं, तो मैं आ गया था पहले, यहाँ कुछ काम था मैंने घर पे, मैं थार ले आऊंगा, मैं फिर परे परे निकल जाऊंगा, तो रखता हूँ चलो इसको यहाँ रखता हूँ पहले। भाई तुम्हारी कसम इस बैग ने फिट करने में मेरी हालत खराब होगी, देखना पसीने में तरन तर होगा,
अभी नहा आया था, नहा के तो खैर नहाया, मुँह हाथ धोखा आया था, अब दोबारा पसीनम तरम तर। अभी तो एक बैग और बच रहा है, उसने पीछे डिग्गी में रख के ले जाऊंगा, वे अपना अपसेट कर देंगे। अभी एक बार ऊपर जाके मम्मी यार तक कह के मैं बता खन आया, अभी बस बैग पैक करा और नीचे लाया अपने, सेट कर रहा हूँ, उसके बाद बता के फिर निकलूंगा। ठीक है, अभी ऊपर चल के मम्मी से मिलवाता हूँ। इसे रख देता हूँ यहाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई मैं आ गया तो देखो पीछे तब कोई सामान आना था। ठीक है, तो कैसे बात बनेगी। मेरा बैग आया है, अभी तो दो बैग और रहते हैं और ऊपर से हुक्का टेंट वेंट बहुत चीज़ें रहती है, मेरे हिसाब से ना जाओ भाई, मैं छोड़ के जानी पड़ेंगी है बहुत सी चीज़ें। अभी देखते रहो तुम आ गए कि क्या क्या छोड़ के जानी पड़ रही है। हाँ जी मम्मी जी, कैसे हो? ठीक हो? कोई दिक्कत परेशानी? देख लो अगर है तो बता दो, अभी तो यहीं हूँ मैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है भाई, मम्मी भी जाएगी 5 तारीख को घूमने के लिए, तो मम्मी को तुम्हें पता है ठीक तो होना ही पड़ेगा कैसे भी कर करो ना मम्मी बीमार हो ना, जबरदस्ती नहीं हो रही, पर फिर भी इसमें भी लगा देता हूँ मैं। मैंने कह रहा हूँ वो बैग तो मैं रखे आया जो अभी पैक करा था मैंने, पर सामान के लिए जगह ना बची, ये कहाँ रखेंगे पटियाला रपड़ा टायर चोड़े की दिक्कत ना है, पर मैं अभी भी लेके ना जानी 4x4 में वहाँ थोड़ा सा घुमाना उमाना टाइप का मैंने दिमाग में सोच रखा है, क्या पता मौका मिल जाए। मैं पटियाला पूमा तीन जने, एक सीट खाली ना है, वो है ही दो जने की एक सीट, हम तो एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, दो जने बैठ के जा सकते हैं उसमें, दो पीछे तो एक मुश्किल तो है, दो आगे आगे के लिए है वो बस, समझे? फिर क्या करेगा तो तू? फिर जो करेंगे करेंगे, देखेंगे जैसे चाहिए। अभी तो टेंट है, उन दोनों का सामान है, गैस है, सिलेंडर है, चूल्हा। ओहो मुड्डी सही ध्यान दुआ दिया आपने, मुड्डी भी घेर लूंगा अगर लेके गए तो, ठीक नहीं तो फिर देखी जाएगी, देख ना जाएगी मेरी चीज, फेंक देंगे उनने मम्मी, फेंक कर बहुत तने तोड़ गया मैं। चलो भाई मैं अभी एक बार निकलता हूँ यार, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अपनी फेवरेट जैकेट को ले जाऊं साथ में, पर फिर मैं सोच रहा हूँ कहाँ इतनी ठंड वंड होएगी है मम्मी, इसे ले जाने का मन कर रहा है, जैकेट तो धर ले बेटा, ले जाऊं पक्की बात है, चलो तो फिर मैं इसको ले जाता हूँ। ये मेरे अनु लगा लो तुम भाई, मेरी फेवरेट जैकेट है ये वाली, आ जा बेटा। ये वाली मुड्डी है जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, लेकिन इन्हें अभी ना लेके जा रहा हूँ मैं। चलो तो गाइस इस तितली के साथ हम निकल लिए हैं, मतलब हम नहीं, अभी तो फिलहाल मैं निकला हूँ, अभी एक बार वहाँ पहुंच जाते हैं उसके पास संदीप और पटियाला के पास, फिर वहां से सीधा अपना लोकेशन भरेंगे और डायरेक्ट चलेंगे लद्दाख, मतलब देखते हैं कितना सफर तय हो पाता है। रात रात में मुझे लग ना रहा है कि हम 500 किलोमीटर भी चलेंगे, पर देखेंगे जितना भी चल पाएंगे, चलने के बाद अपना कहीं आराम से रेस्ट करेंगे, सीधा जो टेंट ले जा रहे हैं उसका कुछ फायदा उठाएंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि भाई आज मैंने सपना आया, सच बताऊं क्या सपना आया, मैंने सपना आया कि भाई हम टेंट में सो रहे तीनों, तो मैं उठ के रात को और उसमें आ जाता हूँ टेंट में, मतलब टेंट में ना गाड़ी में आ जाता हूँ और सो रहा हूँ आराम, तो इतने में आवाज़ आती है शेर की, टाइगर की, मतलब ऐसा करके मैं जाके मैं उठाऊँ इस पे सो रहा हूँ मैं, यहाँ पीछे एकदम मैं उठा, उठ के मैंने देखा कि ये तो भाई टाइगर आ गया, देखता रहूँ। उसके बाद वो टेंट के दौरान जाता है और वहाँ ऐसे सूंघ है, मतलब सूंघता रहे भाई यो खाएगा आज इनने। फिर मैंने गाड़ी मोड़ी और उसकी तरफ मुंह करा गाड़ी का, शेर का ऐसे जैसे वहाँ शेर खड़ा है, टेंट यहाँ लग रहा है और यो गाड़ी का, मैंने ऐसा मुंह करा और सीधी भगाई, हॉर्न दबा, हॉर्न पे रख के हाथ और सीधी उसकी तरफ भगाई और फिर भगा वो कहीं जाके। मैं चलो बेटा बचा लिया मैंने तुम, पटियाला का बैग देख लो रे तुम, ओहो लड़कियों वाला बैग, आंटी आंटी वो वाला ये भाई, आंटी दिया बैग, यो जो भी लड़कियों वाला है, यो ऐसा जैसे वो छोरी के ब्याह में कन्यादान वाला ना रहे है ना, कन्यादान डाला है वो वाला बैग है। चल कोई बात ना पटियाला, कहाँ जा रहा तू? तेरे सामान देखू तेरी गाड़ी में कैसा रख रखा अपना ना देख रहा, पहले मेरा देख रहा। अरे पटियाला इतना सा बैग लाया, गधी की पूछ ला इतना सा बैग। अरे देख ले भाई मैंने बता दिया था इतना सा बैग, इतना सा यार हद होगी भाई, भाई राम राम सुनाओ, ठीक हो? अपनी तैयारी हो चुकी है, मुबारक हो। अरे भाई तू के कर कहा इसे कहा ले जाएगा नु तो बता। अरे भाई करते हैं तो काट दिया, पर यू तो बहुत भारी होगा, तेरा भाई तो कुछ लेके ना आया, यो बैग है यार मेरा बस, यो तू क्यों लेकर आया, यो ही बस इसी में। अरे नु करा चल, तेरी कसम पूमा सामान ना आएगा भाई, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा इसमें है कि तेरे जूता पहने एकदम। अरे तो वहीं तो लेगा, तो घर तक मैं तो भाई घर वहीं तक उठाऊंगा, मैं तो जूता लाऊं। ठीक है भाई अपने ना और यार हम तो निकलेंगे। अरे भाई यो आ जाएगा यार,
आ जाएगा तो रख ले भाई। पटियाला के भी दो बैग आ चुके हैं, रखवा भाई। हाँ तो दो ही मान उनने ले रखो, अब देखो कहाँ से आएगा कैसा आएगा। तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ कि थार में इतना सामान जा सकता है, अगर तुम जाओगे ना आगे कभी तो थार में कह देना कि ओहो इतना सामान आ जाएगा। चलो फिट है धना धन भाई, नाना वाड़ा बैग लिया मैंने बताई तो मैं कन्यादान में रखे थे, रख दे। अरे ना टूटे भाई, मैं वैसे तोड़ दूंगा, मैं टांट के नीचे लगा सोऊंगा फिर टूटेगा भाई, इसलिए कह रहा हूँ पीछे सेफ रहेगा, मत मानो कोई बात नहीं। अब क्या रहेगा भाई, अभी हुक्का रहेगा, हुक्की और मंगा लेगा अपना, अब वो चीज मंगा लेगा। यो कहाँ रखी जाएगी भाई यो जरूरी है ओ भाई नीचे दे दे सीट के नीचे मेरे बैग आ गया यार, सुन आगे फिर यार सोया ना जाएगा, लेटा ना जाएगा ना। हाँ हाँ पटियाला बैठेगा वहाँ, पटियाला इसने भी वही रख लिया आगे जा पैरों में, ये सही रहेगा। हुक्का हुक्का रख दे बस, पैरों में मत रखे हुक्का, हुक्का तो यहाँ लगा दिया। गाइस हमने सब कुछ रख दिया था, लेकिन ये रह गए थे भाई, मेन जो चीज थी हमारी वो रह गई थी ये उपड़ा, ठीक है उपड़ा हुक्का के लिए रह गए थे हमारे। तो अब याद आई मैं भाई उपड़ा तो जरूरी है हमारे पटियाला। सुन यो मत खोलियो, यो खोलते तो सब कुछ लद पद गिरेगा भाई, देखना हमारी डिग्गी। लाइफ में पहली बार ऐसा टूर हो रहा है हमारा। ऑल सेट गाइस? यस मैन। भाई सारा सामान रख रखा है, ये देखो यहाँ तक ले लो, ठीक है यहाँ तक चालू कर लो, उसके बाद भाई यो आगा मेरा वाला बैग, यो लैपटॉप, ये हमारे सोड वोड गुदड़ उदड़, यो तकिया, और देखो पीछे तो लद पद है भाई। कौन कह रहा है कि सामान ना आवे थार में यार, रोज देखियो भाई पूरा उसमें सामान रखा। यो जो है ना यो टेंट में बिछाने का, नहीं तो यो शीशा भी साफ होता, बस ये बैग वैग यहाँ तक आते और सारा घर। हाँ जिसमें सबका अलग अलग रूम रहे हाँ। एक रहे कमरा जिसमें आदमी को ऊपर आदमी रहे तो ये कमरा बना रखा हमने भाई, पूरा कमरा बना रखा है। हाँ लाइसेंस तो लिया यार, मैं ना लेकर आया मेरा फोन में। तो भाई ये पूरा का पूरा सेट हो चुका है, अभी चला आएगा संदीप और मैं बैठूंगा पीछे, पीछे आराम से लेट के जाऊंगा, क्योंकि पटियाला ने खा ली कसम पीछे नहीं बैठूंगा भाई, कसम कागज चल रहा है यहाँ तक, मैं पीछे बैठूंगा ही ना। सुन थोड़ा बहुत करियो एडजस्ट, थोड़ा बहुत इतना ही कर सकूं, 10-1 किलोमीटर बस। हाँ ऐसे करियो जैसे कि 10-10 किलोमीटर चल लिए हम, फिर 10 किलोमीटर चल लिए, फिर ना 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 ऐसे टोटली 10 किलोमीटर, कहीं रुकेंगे 10 किलोमीटर, हाँ कहीं रुकेंगे उसके बाद 10 किलोमीटर, फिर कहीं रुके फिर 10 किलोमीटर, ठीक है करना पड़ेगा उस्ताद, कमर टूट ले के फायदा। अगर मान ले मेरे कोई दिक्कत हुई कमर में और गाड़ी ना चली, फिर कहाँ का ले यार, कहाँ का क्या। हाँ जी सेट हो चुका है सारा सिस्टम और तुम्हारा भाई निकल चुका है लद्दाख के लिए, ये देख लो यहाँ आराम से सोऊंगा, इस साइड पैर कर लूंगा या फिर मैं इस साइड पैर कर लूंगा, अपना ही है सारा सौदा। बोल शंकर भगवान की जय। ये पटियाला कैडा हो जा, सुन आगे बैठा रहेगा तो सोना ना, ध्यान रखियो। हाँ फिर ठीक है भाई, तुम्हारा भाई ऐसा सोएगा, ऐसा सो रहा हूँ जैसे कहीं बढ़िया से उसमें 5-स्टार होटल में सो रहा हूँ। ये लो 5-स्टार होटल से ना लग रहा है, जो ओयो टाइप का सा लग रहा है, जहाँ मैं गया था ओढ़ ले इसमें चद्दर ओढ़ ले चद्दर ओढ़ के फुल ओयो, यो ओयो भी ना वो है जैसे हम गोवा तार जब वडोदरा में देखा था ना हमने, हाँ वो वाला वैसा इसमें AC चलाने की 300 रुपया अलग से लगेंगे मैं यहाँ खा रहा हूँ अपना सैंडविच, फुल कर दियो भाई ऊपर तक कर दियो इसने, अभी देखते हैं कि कितना टाइम मतलब कितने का तेल पिएगी वो। ओए पटियाला वो नापेंगे आज इसकी, ठीक है एवरेज नापेंगे। 200 किलोमीटर की एवरेज जो दिखा रही थी, मतलब 200 किलोमीटर चलेगी दिखा रही थी, अभी इसमें आगा है 3700 का ही लगा लो, 41 किलोमीटर आगा है भाई, अब देखेंगे पूमा इसमें कितनी चलेगी, ठीक है फेंक दी उसने उल्टी, फेंक दे उल्टी फेंक दी ठीक है। तो मेरी फेवरेट गाड़ी जा रही है, ये जा रही है यार, कब लेऊंगा मैं इसको, पहचान लो तुम क्यों कौन सी थी, ठीक है कमेंट करके बताना मुझे, मैं नहीं बता रहा कौन सी थी। गुड मॉर्निंग गाइस, मैंने सोची थी कि आज तुम्हें मतलब कोई नदी दिखाऊंगा कि मेरे साइड में मतलब नदी जा रही होगी और मैं आराम से बैठ के चिल कर रहूंगा, लेकिन नदी तो ना जा रही है, नाला सा पड़ा है, मतलब वो गोद सा पड़ा है पटियाला। मैंने सोची थी मैं आज वहाँ पहुँच जाएंगे, पर भाई ना पहुँचे, बहुत दूर है। अभी तक हमने कितने किलोमीटर चल लिए, 500 किलोमीटर चल लिए हम रात तक, अब तक 500 किलोमीटर भाई बहुत होगा अगर गाड़ी चला रहा, तो अगर स्कॉर्पियो होती मतलब अभी भी होती तो उन्होंने लगा लो अभी हम चले होते 300 के आसपास। स्टेयरिंग भी टाइट है तुम्हें पता ही है, पर थार ने भाई साथ दे दिया हमारा। एक चीज और दिखाता हूँ तुम्हें, मैं थार के अंदर रुकूं। कौन कहता है कि भाई थार एवरेज नहीं देती, ये देखो तुम्हारे भाई ने निकाली 18.6 की, अभी इसे 19 की भी कर दूंगा अगर तुम कहोगे तो, 18.7 की थी
हाँ सात की थी वो, एक घट गई जैसे थोड़ा सा। इसमें मेरा क्या सीन है, जैसे 80-90, 80 और 100 के बीच में चलाओगे ना तुम तो भाई बहुत प्यारी एवरेज निकालेगी। अगर मैं यही एवरेज तुम्हें वहां दिखाता ना अपने घर पे, तो ये दे रही होती कोई 7-8-9-10 की, बस 10 तो ऊपर तो दे ही ना सके, गारंटी है पटियाला। 3 की दे रही होती, 3 की तो ना दे रही होती खैर, पर हाँ बहुत ज्यादा कम दे रही होती। आना कुछ खा पिएंगे आज, कैसे श्रीनगर। श्रीनगर यहाँ तो कितने दूर है? 8.5 घंटा 300 कुछ किलोमीटर है वैसे तो, हमने 8 घंटे वैसे 500 किलोमीटर 334 किलोमीटर है, 334 किलोमीटर है और हमने 500 किलोमीटर 500 प्लस कर दिए। कितने घंटे में? ज्यादा 7 घंटे में, 7 घंटे में कर दिए। अब वहाँ यार पहाड़ी वाला एरिया तो थोड़ा उस हिसाब से चलना पड़ेगा, पर कोई बात ना, मैं इस व्लॉग को एडिट करके डाल देता हूँ। अगर आपने वीडियो तक देख ली तो उसको लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। मिलता है फिर नई वीडियो में, टाटा बाय बाय।